श्रीलंका अब वो डूबता जहाज है जिससे वहां के हुक्मरान कूद कूद कर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम इस डूबते जहाज के कैप्टन यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का है, जो अपने देश को संकट में छोड़कर बड़े सुरक्षित तरीके से मालदीव पहुंच गए और वहां किसी सुरक्षित स्थान पर आराम कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे गोटाबाया राजपक्षे की परिस्थिति और मजबूरी में उठाया गया कदम मान रहे हैं, लेकिन आज आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस सब के पीछे गोटाबाया ने ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं की सलाह ली। इस्तीफे की तारीख तय करने से लेकर देश छोड़ने का जो समय है वो भी ज्योतिषी से पूछकर तय किया गया। श्रीलंका मीडिया के अनुसार गोटाबाया राजपक्षे एक महिला ज्योतिषी की सलाह पर सारे काम करते थे। इस ज्योतिषी का नाम है ज्ञानवती जयसूर्या, जिन्हें ज्ञान अक्का भी कहा जाता है। ऐसी खबरें हैं कि 13 जुलाई को इस्तीफे की तारीख भी इस महिला ज्योतिषी ने ही तय की थी। 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन छोड़ने से लेकर 11 जुलाई को कोलंबो से मालदीव यात्रा तक गोटाबाया ने ज्योतिषीय गणना करवाई। राष्ट्रपति स्टाफ के कर्मचारियों के अनुसार गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बनने से लेकर अब तक इसी महिला ज्योतिषी की सलाह पर सभी बड़े फैसले लेते आए। ये महिला ज्योतिषी श्रीलंका के अनुराधापुरा इलाके की रहने वाली है और इनके श्रीलंका में कई होटल और रिजॉर्ट हैं, जिन्हें आंदोलनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका के लोग ये पूछ रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षे अपने भविष्य की चिंता करते रहे, लेकिन देश के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा।